शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी तरह तुम मेरे पैरों पर पड़ी रहोगी। एक दिन खूब रोगी। लीजिएगा, वो तो मैं ही मम्मी जी को बोलती रहती हूँ कि मुझे काम दे, घर पे बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ ना, ये तो मुझे मना करती है। बस पर सब कुछ क्या अकेले ही सहती रहेगी? अपने सास के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती तुम? हाँ, तुम किस तरह से अपनी झोली फैलाकर मेरी बच्ची को मुझसे मांगने आई थी? काम्या, मैंने सोचा था तुम बदल गई हो। मेरे मन ने कहा कि काम्या सुधर गई है और हो सकता है रानी के साथ जो कुछ भी तुमने किया उसका तुम्हें पछतावा है। जो जुल्म किया तुमने रानी के साथ उसके लिए तुम पश्चाताप करना चाहती हो। परी को प्यार देकर तुम अपना पछतावा पूरा करना चाहती हो, लेकिन मेरी मति मारी गई थी, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी मेरी, जो मैंने तुम पर यकीन कर लिया, तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लिया। मैं भूल गई थी काम्या कि बिच्छू कभी भी डंक मारना नहीं भूलता है। तुम भी वैसी की वैसी हो काम्या, वैसी की वैसी, बिल्कुल नहीं बदली तुम। तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं कि तुम्हारी अपनी बेटी इन हरकतों की वजह से वो पहले ही दूर जा चुकी है? तुम्हारा कलेजा नहीं फटा जब तुम किसी मासूम बच्ची के ऊपर जो लाडों में प्यार में पली हुई है उसके ऊपर तुमने जुल्म किए? तुम्हें शर्म नहीं आई? ये मत भूलो तुम कि तुम भी एक माँ हो, तुम्हारे आगे भी एक बेटी है और वो बेटी उसी खानदान में ब्याही गई है जिस खानदान की बेटी पर तुम जुल्म करती हो। अपनी बेटी का सुनकर कैसी घबरा गई ना तुम, डर गई ना, क्योंकि अपनी बेटी पर बात आई। लेकिन तुम भी एक बात सुन लो काम्या, जिस खानदान में तुम्हारी बेटी आई है, थापर खानदान, वो अपनी बहुओं को पलकों पर बिठाना जानते हैं, पैरों में रखना नहीं। ईशाना हमारे घर की बहू है, हमारा मान है ईशाना, लेकिन कैसे डर गई तुम? तुम औरत हो या क्या हो? हर एक डायन भी चार घर छोड़ देती है काम्या। दानी माँ प्लीज, एक मिनट पर आज मुझे कह लेने दे। नहीं दानी माँ, आप जिनको ये सब सुना रही हैं वो मेरी सासू माँ है। मेरे पति की माँ सौम्य मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, उनसे जुड़े सारे रिश्तों को मैं प्यार करती हूँ। उनके बारे में आप कुछ भी कहेंगे मुझे बहुत तकलीफ होगी तानी माँ। सुना तुमने? सुना, ये मेरी बच्ची के संस्कार है। मेरी बच्ची तो सिर्फ प्यार देना जानती है, सिर्फ प्यार देना जानती है, और तुम प्यार छीनना जानती हो। ये तो अपने आप को सौम्य के प्यार में संपूर्ण समझने लगी है। अरे सीखो इस मासूम बच्ची से कुछ काम्या, सीखो। तुम इसके ऊपर जुल्म करती हो, अत्याचार करती हो तुम इस पर,
और ये मासूम लड़की तुम्हारे खिलाफ अपनी दानी माँ के मुंह से एक शब्द नहीं सुनना चाहती। छी, तुम औरत हो, औरत के नाम पर कलंक हो। मैं तो सिर्फ अपने अनुभव से बता सकती हूँ, जो इंसान करता है वो यही भुगतता है। स्वर्ग नर्क सब कुछ यही है कामया। मैं भी किसी की बच्ची को बहू बनाकर अपने घर लाई थी। मैंने रानी पर जुल्म किए, मैं उसकी राह में कांटे बिछा दिए। तो आज देखो मेरे साथ भगवान क्या कर रहा है। मेरी बच्ची पर इतना अत्याचार हो रहा है, ये मेरे गुनाहों की सजा भुगत रही है, इसलिए तुम भी भुगतोगी कामया। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। ये जुल्म देखने के बाद आज परी की दानी माँ तुमसे वादा करती है। केशाना मेरे घर में बहू बनकर आई थी, लेकिन वो बेटी बनकर ही रहेगी। तुम्हारी इशाना पर हम आंच नहीं आने देंगे, ये सुरेखा का वादा है तुमसे। पार्टी के लिए जाना है और मेरे पास कुछ ढंग का भी नहीं है पहनने के लिए। रोहित, रोहित बताओ ना मैं क्या पहनूं इसमें से। आज पूजा की बर्थडे पार्टी में जाना है। खुशी, वो एक ग्लास पानी मिलेगा? ठीक है, लाती हूँ।
रोहित। अच्छा उठ गया उठ गया। रोहित ये ड्रेस तुम मेरे लिए लाए हो, बहुत एक्सपेंसिव लगती है, कम से कम 5,000 की तो होगी ना। तुम महंगी सस्ती छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हें अच्छी लगी या नहीं। खुशी, तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं। स्माइल मींस द वर्ल्ड टू मी। तो हुआ क्या कि ऑफिस में कुछ एक्स्ट्रा काम किया था, उसके लिए मुझे अप्रिसिएशन मिला। तो मैंने कहा सबसे पहले जाके मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आता, ठीक है ना? रोहित इसके लिए तो मैं बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा काम कर सकता हूँ, डबल मेहनत। जब परी खुश है तो आपके आंखों में आंसू क्यों? अरे ये तो यूं ही, माएं जब बेटी से दूर होती हैं तो हमेशा आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपने ससुराल में परी बहुत खुश है, मैं किसे ज्यादा प्यार मिल रहा है ना ससुराल में मेरी फूल सी बच्ची को। अपनी दानी माँ से वादा कर कि तू ईशाना को बहुत प्यार करेगा, उसे कभी दुख नहीं देगा, हमेशा खुश रखेगा, बल्कि उसकी आंखों में कभी भी दुख की परछाई नहीं आएगी। बेटा वादा कर अपनी दानी माँ से। दानी माँ इस वादे की जरूरत क्या है? जरूरत है बेटा। दानी माँ मैं उसको बहुत खुश रखूंगा, आप जरा भी चिंता मत कीजिए। देखा रे तूने जो दानी माँ से वादा किया है उसे पूरी तरह से निभाना बेटा। पराए घर की बच्ची को अपने घर लाए तो उसे बेटियों सा प्यार देना है, मान सम्मान अपनों से कई गुना ज्यादा देना पड़ेगा उसे। ईशाना को तू अपनी जान से भी ज्यादा प्यार कर। अपनी दानी माँ को वादा पूरा करना।
इतनी धूप है, ऊपर से इतना पॉल्यूशन, और ये बैग्स भी कितने भारी हैं। हम टैक्सी ले लेते हैं ना? टैक्सी बहुत महंगी पड़ेगी। हम बस शॉपिंग के लिए गए थे इसलिए बस। ओके, मैं ड्रॉप कर दूं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो बस। ओह, बस से जाओगी? ऑब्वियसली बस स्टॉप पर खड़ी हो तो बस से ही जाओगी। बाय द वे, टैक्सी अफोर्ड नहीं कर सकती तो रिक्शा ले लेती। आई एम श्योर इतना तो तुम अफोर्ड कर ही सकती हो। ओके, बाय। इतना तो मैं जरूर जानती हूँ कि सुरेखा इशारा को कुछ नहीं बताएगी, लेकिन मुझे इस बात की तसल्ली करनी होगी कि इशारा को कुछ पता तो नहीं चला। किस बहाने से फोन करूँ उसे? हेलो हेलो इशाना बेटा, मैं बोल रही हूँ, कैसी हो तुम? फाइन, आप कैसी हैं मामा? तुम्हारी आवाज़ सुन ली अब बहुत खुश हूँ। बेटा, मैंने यूं ही तुम्हारे दादू की तबीयत के बारे में पूछने के लिए फ़ोन किया था। कैसे हैं वो? अब उनकी तबीयत काफ़ी ठीक है और हमें पूरा विश्वास है कि वो जल्दी पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसी बात के लिए तो हम सब भी दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं। इशाना, वो सुरेखा जी आई थी यहाँ पे, अरे तुम्हें तो पता ही होगा ना? हाँ, बता रही थी दानी माँ, परी भाभी को खुश देखकर बहुत खुश थी वो। इशाना, तुम खुश हो ना बेटा? हाँ मम्मा, इतना प्यार, इतना अपनापन और इतना मान सम्मान मिलने के बाद कौन खुश नहीं रहेगा। ऐसा लगता है मायके से निकलकर ससुराल नहीं बल्कि एक मायके से दूसरे मायके में आई हूँ। बेटियाँ मायके से ससुराल जाती हैं तो रोती है, पर मैं हूँ कि ससुराल से एक दिन भी दूर रहूँ तो लगता है रोने लग जाऊँगी। ठीक है बेटा, मैं फोन रखती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। हाँ, बाय बाय मामा। क्या हुआ? सब ठीक है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। पहले परी के दादाजी को वो 40 दिन वाली बात पता चल गई और अब उसकी दानी माँ ने देख लिया कि हम इस घर में परी को कैसे ट्रीट करते हैं। डर तो मुझे भी लग रहा है, चिंता मुझे भी हो रही है, लेकिन तुम इस बात का शुक्र मानो कि सुरेखा को 40 दिन वाली बात पता नहीं चली। बस एक बार ये 40 दिन बीत जाए फिर मैं किसी से नहीं डरूंगी, किसी बात की चिंता नहीं होगी,
उसके बाद तुम्हें और सौम्य को मिलने से इंसान तो क्या भगवान भी नहीं रोक पाएगा। खैर फिलहाल तो इस बात की खुशी है कि तुम और सौम्य आज ही लंदन जा रहे हो। सो बी हैप्पी अबाउट इट।